नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कृषि उपज मंडी स्थित फल मंडी में फल की एक दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा माल सहित अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। दुकान संचालक ने बताया कि देर रात तकरीबन 11:30 बजे उनकी दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी, तो वे तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि दुकान में भीषण आग लगी हुई थी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक उनकी दुकान में रखा माल सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी की घटना में उन्हें लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। क्या घटनाक्रम है, कहां का घटनाक्रम है? दीनदयाल में दमोना के कृषि उपज मंडी में मेरी दुकान में आज 11:30 बजे तकरीबन आग लगी। काई की दुकान है आपकी? फल मंडी में फल का काम है। अच्छा, कैसे आग लगी? शॉर्ट सर्किट का बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, जिसमें दुकान में कैरेटें थी, माल थी और काउंटर आउंटर था जो कि जल गया है पूरा और 3-3.5 लाख का नुकसान हो चुका है उसमें। फायर ब्रिगेड सूचना थी, कितनी गाड़ी आई थी मौके पर? फायर ब्रिगेड से 2 गाड़ियां आई थी जो 1-1.5 घंटे में फिर बुझा दी थी उसने। अच्छा, काई की दुकान है आपकी? फल का काम है, शॉप कृषि उपज मंडी। कितने बजे लगभग आपको सूचना लगी थी? हमें सूचना मिली थी 11:15 बजे। आपका नाम? मोहम्मद आतिर। किस नाम से दुकान? दुकान अयाज अहमद के नाम से। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।